नमस्कार मित्रों, आप सब सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी पर। और आज मित्रों राजस्थान जीके में स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान जीके में एक टॉपिक आता है राजस्थान की स्थापत्य कला, और उस स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के महल, राजस्थान के मंदिर और राजस्थान की छतरियाँ आती है। और देखिएगा, राजस्थान की एक ऐसी छतरी है जिसमें से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक तो एग्जाम्स में यही पूछा गया था कि वो छतरी कौन से ज़िले में बनी हुई है, लेकिन देखिएगा आजकल का आप जानते हो कि एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, प्रश्नों का लेवल बढ़ गया है, तो इसमें से डिटेल में से जो प्रश्न बन सकते हैं आज अपन उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो 10 फरवरी से हमारी जो सारी क्लासें हैं वो लाइव शुरू हो रही है, और रोज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की लगेगी। तो मित्रों सपोर्ट करो और इस चैनल को शेयर करो ताकि ये उन गरीब विद्यार्थियों तक ये उनकी सहायता कर सके, और हम जो उद्देश्य हमने बनाया है उसमें आप सभी की सहायता हो सके। देखिएगा आज अपन इसके बारे में बात करेंगे, मूसी महारानी की छतरी के बारे में, कि ये मूसी महारानी कौन थी और इसकी छतरी अपने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है, तो किस प्रकार इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान में एकीकरण के समय कुल रियासतों की संख्या थी 19, और उस 19 रियासतों में से एक रियासत थी जिसका नाम था अलवर। उस 19 रियासतों में से एक रियासत बताओ कौन सी थी, अलवर। और इस अलवर में जो राजपूत वंश राज करके गया था उस वंश का नाम था नरूका। तो उस वंश का नाम क्या था, नरूका। और ये जो नरूका वंश है वो जयपुर के कछावा वंश से टूटा था। जयपुर के बताओ कौन से वंश से टूटा है, कछावा वंश से। ऐसा कहा जाता है कि अपने जयपुर के इतिहास में एक राजा बना था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछावा। जयपुर के इतिहास में बताओ राजा कौन बना था, पृथ्वीराज कछावा। इस पृथ्वीराज कछावा के कुल 12 पुत्र थे। पृथ्वीराज कछावा के कुल पुत्रों की संख्या कितनी थी, 12। और ये जो 12 पुत्र थे वो हमेशा लड़ते रहते थे कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में हम, ये तो कहता था कि मैं राजा बनूंगा, दूसरा वाला कहता था कि मैं राजा बनूंगा। और अपने मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पग पालनों में दिख जाते हैं, और जब इस पृथ्वीराज कछावा को अपने इन 12 पुत्रों के पग पालनों में दिख गए थे कि इसकी मृत्यु के बाद में इसके जो 12 पुत्र है वो इस गद्दी को हड़पने के लिए पक्का लड़ाई करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज कछावा ने अपने 12 पुत्रों में जयपुर रियासत को 12 कोठड़ियों में विभाजित कर दिया था। बताओ कितनी कोठड़ियों में, 12 कोठड़ियों में विभाजित कर दिया था। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 12 कोठड़ियों का संबंध कौन सी रियासत से था, जयपुर रियासत से। अब देखिएगा इन 12 पुत्रों में से 2-3 इनके पुत्र प्रमुख थे, जैसे कि एक पुत्र था शेखा, और इस शेखा के जो वंशज है, देखो इस शेखा को जयपुर रियासत का जो पार्ट मिला था वो था सीकर, चूरू और झुंझुनू का। और वहां पर इस शेखा के जो वंशज थे वो आगे जाकर कहलाए थे शेखावत। शेखा के वंशज बताओ क्या कहलाए, शेखावत। और इसी शेखा द्वारा राज किए जाने के कारण, और शेखावतों के राज किए जाने के कारण सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावटी प्रदेश कहलाया था। मित्रों इसी शेखा का एक भाई और था जिसका नाम था खंगा। बताओ इसके एक भाई का नाम क्या था, खंगा। और इस खंगा को मिला था जोबनेर, जो जयपुर के आसपास में पड़ता है। और इस खंगा के जिन वंशजों ने राज किया था, इस खंगा के वंशज क्या कहलाए, खंगा रोत कहलाए। और देखिएगा इन्हीं में से एक पुत्र था जिसका नाम था नरा, और इस नरा के जो वंशज थे वो आगे जाकर कहलाए थे नरूका। और देखिएगा अलवर में जिस वंश ने राज किया था उस वंश का नाम क्या था, नरूका राजवंश था। अब देखिएगा इस नरूका राजवंश की शाखा इस अलवर रियासत की स्थापना किस प्रकार करती है। देखिएगा अपने राजस्थान की अगर अपन यूं कह सकते हैं कि सबसे धनी रियासत है, अर्थात राजस्थान की 19 रियासतों में से ऐसी रियासत जिसके पास में सर्वाधिक पैसे थे वो यहाँ पर हुआ करती थी, और उस रियासत का नाम था जयपुर। राजस्थान की सबसे धनी रियासत बताओ कौन सी थी, जयपुर। और एक राजस्थान में यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी जो जिसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर जाट वंश राज करके गया था। देखिएगा एक रियासत तो थी भरतपुर, और एक रियासत कौन सी है, जयपुर। इस जयपुर के जो वंश जो है कछावा, उस कछावा वंश में एक नरूका राजवंश का एक व्यक्ति था, और उसका नाम था राव राजा प्रताप सिंह नरूका। राव राजा प्रताप सिंह
नरुका। अब देखिएगा, ये जो राव राजा प्रताप सिंह नरुका था वो इस नरुका वंश का एक छोटा भाई था, और जो छोटे भाई होते थे उनको कभी भी पिता की गद्दी पर नहीं बिठाया जाता था। जैसे कि इधर देखिएगा, ये एक पिता है जिसका नाम है ए, और इसके दो बेटे हैं बी और सी। एक पिता है और उनका बड़ा बेटा कौन सा है, बी, और छोटा बेटा कौन सा है, सी। अब ये छोटा वाला चाहे कितना भी सक्षम हो, इस एक की मृत्यु के बाद में इसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, बी। लेकिन ये जो राव राजा प्रताप सिंह नरुका था वो छोटा पुत्र होने के कारण इस नरुका वंश का राजा नहीं बन पाया था, इसलिए देखेगा। लेकिन राव राजा प्रताप सिंह नरुका में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, वीरता और शौर्यता के लिए जाना जाता था। तो इस राव राजा प्रताप सिंह नरुका ने थोड़ा तो हिस्सा हड़पा जयपुर का और थोड़ा सा हिस्सा हड़पा था भरतपुर का। इन दोनों रियासतों के कुछ भाग को अपने अधिकार में करकर इसने 1775 ईस्वी में एक राजवंश की नींव रखी थी, और वो राजवंश कहलाया था नरुका। और 1775 ईस्वी में ही इसने एक रियासत की स्थापना की थी जो अलवर रियासत के नाम से जानी गई। ध्यान रखिएगा मित्रों, अलवर रियासत की स्थापना 1775 में वो राव राजा प्रताप सिंह नरुका के द्वारा की गई थी, जयपुर और भरतपुर के कुछ पार्ट को हड़प कर। और देखिएगा, इसने अपने अलवर में कुछ पहाड़ियां पड़ती है, तिजारा की पहाड़ियां, और इन तिजारा की पहाड़ियों के ऊपर, तिजारा की पहाड़ियों पर इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो दुर्ग पड़ता है अलवर की एक तहसील है जिसका नाम है राजगढ़। इस राजगढ़ नामक स्थान पर यह दुर्ग पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया था राजगढ़ का दुर्ग। और देखिएगा, अलवर के राजाओं की जो पहली राजधानी हुआ करती थी उसका नाम भी क्या था, राजगढ़ी था। देखिएगा, इस राव राजा प्रताप सिंह नरुका का एक पुत्र, इसका एक वंशज था, और उस वंशज का नाम था बख्ता राव सिंह। इस वंशज का नाम बताओ क्या था, बख्ता राव सिंह, या फिर इसका दूसरा नाम मिलता है बख्तावर सिंह। देखिएगा, अलवर की गद्दी पर जब बख्ता राव या बख्तावर सिंह बैठा था, तो देखिएगा राजा जो होते थे उनके पास में कम से कम 10, 20 या 50 रानियां होती थी। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जिसके खेमे में कम से कम 5000 रानियां रहा करती थी। सबसे ज्यादा विवाह करने वाला शासक था अकबर। तो देखिएगा, जो राजाओं ने अलग अलग विवाह किया था और उन रानियों की अलग अलग प्रकार की श्रेणी भी हुआ करती थी। पहले अपन उनके ऊपर बात करते हैं कि अपने राजस्थान में जो रानियां थी उनकी श्रेणी किस किस प्रकार बटी हुई थी। देखिएगा, 19 रियासतें, और उसमें से अलवर पर राज किया था नरुका वंश ने, और ये नरुका कछावा वंश से टूटा था। अलवर की स्थापना 1775 में और राव राजा प्रताप सिंह नरुका द्वारा जयपुर और भरतपुर के कुछ पार्ट को हड़प कर की गई थी, और इस तिजारा की फाड़ियां जो कि राजगढ़ अलवर में पड़ती है, यहाँ पर इसने एक दुर्ग बनवाया था। अब देखिएगा, इस बख्तावर सिंह, इस राव राजा प्रताप सिंह नरुका का एक वंशज और इसका नाम था बख्तावर सिंह। देखिएगा, इस बख्तावर सिंह की एक पासवान थी और उस पासवान का नाम था मुसी। बख्तावर सिंह की पासवान का नाम क्या था, मुसी। देखिएगा मित्रों, इसका नाम पहले केवल मुसी था, लेकिन ये अपने राजस्थान के इतिहास में आगे जाकर मुसी महारानी क्यों कहलाई थी। देखिएगा, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि एक राजा की रानियां कितने प्रकार की होती थी। देखिएगा, नंबर एक पे होती थी महारानी। नंबर एक पे बताओ कौन होती थी, महारानी। जैसे कि अलवर का कोई राजा है और वो अगर मारवाड़ के किसी राजा की पुत्री से विवाह कर रहा है, वो मारवाड़ की राजकुमारी से विवाह कर रहा है, तो उसको उस दरबार में किसका दर्जा मिलता था, महारानी का। और महारानी जो होती थी वो हमेशा एक ही होती थी जिसको मुख्य रानी का दर्जा दिया जाता था। देखिएगा, नंबर दो पे आती है रानी। रानी कौन होती है, जैसे कि राजा किसी सरदार की पुत्री से या फिर किसी सामंत की पुत्री से विवाह करेगा तो उसको किसका दर्जा मिलेगा, रानी का। नंबर तीन पे, नंबर तीन पे इन राजाओं के दरबार में हुआ करती थी पर्दायत। बताओ नंबर तीन पे कौन होती थी, पर्दायत। देखिएगा, अगर किसी राजा को कहीं से कोई सुंदर रानी पसंद आ गई हो, कोई सुंदर महिला पसंद आ गई हो, और राजा उसको पैसे देकर खरीदता हो, तो पैसे देकर जिसको खरीदता हो वो क्या कहलाती है, पर्दायत। और देखिएगा, इन पर्दायतों में अपने राजस्थान के इतिहास में जो सबसे सुंदर पर्दायत थी उसका नाम था नन्ही जान भक्तन। राजस्थान के इतिहास में सबसे सुंदर पर्दायत कौन थी,
नन्ही जान भक्तन जो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की प्रदायित थी। आगे देखिएगा, नंबर चार पे जो रानियां होती थी उनको दर्जा दिया गया था पासवान का। नंबर चार पे रानी कौन सी है? पासवान। देखो इस पासवान के नाम से ही स्पष्ट है, पास का मतलब है कि वो सिर्फ, जैसे कि कोई विवाह होगा या फिर कोई महोत्सव होगा तो उसमें वो सिर्फ राजा के पास में बैठ सकती थी, उसको गहने वहने पहनने का अधिकार नहीं था। तो वो रानी कौन सी कहलाएगी? पासवान। और नंबर पांच पे होती है बडारन। नंबर पांच पे बताओ कौन होती है? बडारन। और इसी बडारन को अपन यूं कह सकते हैं कि वो राजा की एक तरीके से सेविका होती थी। जैसे कि देखिएगा, राजा कहीं पे कोई अभियान के लिए गया हो और वो थक गया हो तो उसके मालिश करने वाली, उसके पैरों में कटके बुलाने वाली जो होती थी, उसकी सेवा करने वाली, वो कौन है? बडारन। या फिर यूं मान लो कि राजा के माथे में कांच चल रही है तो उसकी कांच कुचरने वाली कौन होगी? वो बडारन होगी, जो उसकी क्या करती थी? सेविका। तो इस प्रकार इस राजा के, प्रत्येक राजा के जो रानियां होती थी उनकी ये पांच श्रेणियां थी। तो देखिएगा, ये जो मूसी है वो इस अलवर के बख्तावर सिंह की एक पासवान थी, सिर्फ क्या थी? पासवान, जिसको गहने पहनने का भी अधिकार नहीं था, ये केवल राजा के पास में बैठ सकती है। लेकिन इसके नाम के पीछे क्या लग गया? महारानी। ये महारानी शब्द कैसे लगा था? देखिएगा, इस बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई और बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद में अलवर की गद्दी पर बैठने वाला था विनय सिंह। बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद में अलवर की गद्दी पर उसका पुत्र कौन बैठने वाला था? विनय सिंह। और ये बख्तावर सिंह जो है वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, इसका जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए रखा गया था अलवर के सिटी पैलेस में, और लोगबाग जो है वो इसके अंतिम दर्शन करने के लिए जुटे हुए थे। लेकिन मित्रों, अपने राजस्थान में एक परंपरा प्रचलित थी कि राजाओं के साथ में उनकी रानियों को सती होना पड़ता था, लेकिन इस बख्तावर सिंह के साथ में उसकी कोई भी महारानी या कोई भी रानी जब सती होने के लिए तैयार नहीं हुई, देखेगा पर्दायत पासवान या बडारन ये सती नहीं होती थी ना तो चलता था, लेकिन महारानी या रानी को राजा के साथ में सती होना पड़ता था। लेकिन इस बख्तावर सिंह के साथ में कोई भी रानी सती होने को तैयार नहीं थी। तो देखेगा ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए काफी वो प्रयास भी कर रहे थे। तो बख्तावर सिंह की जितनी भी रानियां थी उन सब ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हम तो इसके साथ में सती आज हो बहने काल। तो देखेगा ये टेंशन किसको हो गई? विनय सिंह को। क्योंकि देखेगा अगर इस बख्तावर सिंह के साथ अगर इसकी कोई भी रानी सती नहीं हुई तो वो टेंशन किसको होगी? विनय सिंह को। विनय सिंह राजस्थान में किसी को भी मुख दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जिस प्रकार की देखेगा अगर किसी भी पिता की कोई पुत्री भाग जाती है और उसको समाज में आप दर्जा जो नहीं मिलता है, उसी प्रकार ये एक तरीके का कार्य होता था कि अगर विनय सिंह की पिता के साथ में उसकी रानी सती नहीं हुई तो फिर विनय सिंह राजस्थान में कहीं पर भी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता है। मान लो कि राजस्थान के राजाओं की कोई बैठक है, कोई सम्मेलन बुलाया उन्होंने, और अगर विनय सिंह को पूछेंगे कि विनय सिंह जी आपके अनुसार बताओ क्या होना चाहिए, तो विनय सिंह कहेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कोई भी राजा उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है कि चुप, तेरी पिता के साथ में कोई तेरी माता ही सती नहीं हुई थी, तू किस हिसाब से आज इस दरबार में बात कर रहा है? तो ये बड़ी चिंता किसको सता रही थी? विनय सिंह को। और विनय सिंह अपनी सारी माताओं को जा जाकर ये कह रहा था कि ये मेरे पिता के साथ में सती हो, लेकिन कोई भी सती होने को तैयार नहीं थी। तो विनय सिंह अपने मुंह को उतार कर एक कोने में बैठा था और उधर से जब ये मूसी महारानी गुजरी तो उस मूसी महारानी ने इस विनय सिंह को देख लिया, और विनय सिंह मुंह उतार कर बैठा था तो मूसी महारानी ने कहा कि विनय सिंह तू मुंह को ऐसे क्यों कर रखा है, कोई फुटोड़ी बिलोड़ी में जैसे। तो फिर इस विनय सिंह ने कहा था कि देख मूसी, ये बात है, तू मेरे पिता की पासवान है और तेरे को पता है कि राजा के साथ में किसी न किसी को सती होना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोई भी माता पिता के साथ में सती होने को तैयार नहीं है। तो फिर इस मूसी ने कहा कि तू नो टेंशन रहे, मैं हूँ तो तेरे पिता की पासवान, लेकिन हूँ तो एक रानी, मैं तेरे पिता के साथ में सती होऊंगी। और फिर देखेगा इस बख्तावर सिंह के साथ में ये मूसी सती हुई थी, जो इस बख्तावर सिंह की क्या थी? एक पासवान। और इस विनय सिंह की इज्जत बचाई थी, और इसी विनय सिंह ने राजस्थान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में
इसके पीछे एक शब्द लगवा दिया महारानी, और ये इतिहास में जाकर क्या कहलाई महारानी। जैसा कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इतिहास किसका बनता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता हो, हमेशा अपनी जान को हथौली में लेकर चलता हो, उसी का हमेशा इतिहास बनता है। और देखिएगा ऐसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये जो मुसी महारानी का इंप्रेशन था वो किस पर पड़ गया, विनय सिंह पर। लेकिन विनय सिंह भी इस मुसी महारानी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, और विनय सिंह ने कहा कि मुसी महारानी अगर तू मेरे पिता के साथ में सती हो गई तो मैं तुझे इस राजस्थान के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर कर दूंगा। इसी उद्देश्य से विनय सिंह ने अपनी इस सौतेली माता मुसी महारानी और अपने इस पिता बख्तावर सिंह की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया था, और उसी छतरी को कहा जाता है मुसी महारानी की छतरी। अब देखो मुसी महारानी की जो छतरी है वो किस प्रकार की बनी हुई है, किस किस प्रकार के उसमें चित्र बने हुए हैं, और अपने राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें इसका क्या आधुनिक योगदान है, किस किस प्रकार के चित्र इस मुसी महारानी की छतरी पर बने हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा अपने राजस्थान में अलवर का एक दुर्ग पड़ता है, और इस दुर्ग का नाम है बाला किला। बताओ अलवर में कौन सा किला है, बाला किला। इस बाला किला का ये तो है मुख्य द्वार, और इस बाला किला के मुख्य द्वार के जस्ट पीछे एक छतरी बनी हुई मित्रों, और उस छतरी को कहा जाता है मुसी महारानी की छतरी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मुसी महारानी की छतरी है वो दो मंजिला है, अर्थात इसमें मंजिलें कितनी है, दो। ऊपर वाली मंजिल जो है वो काफी थोड़ी है, और ऊपर वाली मंजिल कुछ इस प्रकार की है, ये इस प्रकार की। और ध्यान रखिएगा जो नीचे वाली मंजिल है वो पूर्णतः लाल पत्थर से निर्मित है। नीचे वाली मंजिल बताओ किससे निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित है, और ऊपर वाली जो मंजिल है वो निर्मित है सफेद संगमरमर से। मुसी महारानी की छतरी की जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो बताओ किससे निर्मित है, सफेद संगमरमर से, और नीचे वाली लाल पत्थर से। ध्यान रखिएगा मित्रों इस छतरी का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1815 ईस्वी में, और इसकी लोकेशन क्या है, बाला किला के पीछे। और अगर आपसे पूछे कि जिला कौन सा है तो उस जिला का नाम क्या है, अलवर है। देखिएगा जब अलवर के दुर्गों की और इन छतरियों की अपन बात करते हैं तो मुसी महारानी को जब छतरी को देखने के लिए जाओगे तो यहाँ पर कई प्रकार के हाथियों के भी सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, कई प्रकार के पक्षियों, कई प्रकार के मोरों के चित्र भी बने हुए हैं। और जब आप बसंत ऋतु में या फिर शाम को इस छतरी को देखने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको मोरों के और अन्य पक्षियों के नृत्य भी देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा इस छतरी में कुल खम्भों जो है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इस छतरी में पिलर कितने बने हुए हैं, अर्थात खम्भे कितने बने हुए, देखिएगा मुसी महारानी की छतरी में खम्भों की संख्या है 80। मुसी महारानी के छतरी में खम्भे कितने हैं, 80 खम्भे। याद कैसे रखना है, मुसी 80, यानी कि मुसी महारानी की छतरी में खम्भे कितने हैं, 80 है। दो मंजिला है, नीचे वाली लाल पत्थर से और ऊपर वाली सफेद संगमरमर से निर्मित है, बाला किला के पीछे, और इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। उसके बाद में देखिएगा इसमें अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो चित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने भारतीय इतिहास में। देखिएगा दो ग्रंथ हुए हैं, एक रामायण और महाभारत है, उन रामायण और महाभारत के दृश्य या फिर अपनियों कह सकते हैं कि इस मुसी महारानी की छतरी की दीवारों पर किसके चित्र बने हुए हैं, रामायण एंड महाभारत के। तो बताओ मुसी महारानी की छतरी पर चित्र किसके बने हुए हैं, रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, अपने राजस्थान में एक मंदिर भी है जिसको वर्तमान में सास बहू का मंदिर कहा जाता है, विष्णु भगवान को समर्पित है, और वो नागदा उदयपुर में पड़ता है, जिसका निर्माण राजा नाग द्वारा करवाया गया था। उसमें भी उसकी दीवारों पर एक सास और एक बहू हुई थी जिसने उसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत को लिखवाया था। तो सास बहू के मंदिर पर तो रामायण और महाभारत लिखी हुई है, जबकि रामायण और महाभारत के चित्र कहाँ बने हुए हैं, इस मुसी महारानी की छतरी पर बने हुए हैं। और देखिएगा मित्रों ये इस मुसी महारानी की छतरी या राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में एक सामान्य सा वीडियो था, और भी अपन ऐसे वीडियो जो है राजस्थान के रोचक तथ्यों से संबंधित डालते रहेंगे। और 10 फरवरी से अपन एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से कला शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।